व्हाट्स अप गाइस, पावर स्टार पवन सिंह के पॉडकास्ट का पार्ट 4 लेके आए हैं। बाकी पार्ट आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, और अगर आप पूरी वीडियो एक साथ देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शुभांक मिश्रा सर के चैनल पर वीडियो है, देखते हैं पूरी वीडियो। 1 2 3 गो। हालांकि हमने इस बार जैसे हमने आपकी बचपन की कहानी निकाली तो हमने कहा कि ये बड़े सालों से सुनाई पड़ा खेसारी पवन सिंह की, तो हमने कहा कुछ और निकालते हैं अंदर से। तो हमने कहा ये कहाँ शुरू हुआ, इसकी जड़ पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो जड़ पकड़ते पकड़ते हमको एक किस्सा मिला एक नेपाली फैन का कि इसकी बोहनी कहाँ से हुई थी। अच्छा। किसी ने कहा हमसे, हमने कई लोगों से पूछा, तो किसी ने कहा कि कभी किसी नेपाली फैन ने शायद खेसारी का टैटू बनवा लिया था, तो उसके बाद फैन वार शुरू हो गया कि आप लोग के फैन बड़े लॉयल हैं और फिर आपस में भिड़ गए। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्योंकि आप लोगों ने कई बार पैचअप तो किया लेकिन आप लोग का ब्रेकअप कहाँ से हुआ था पहली बार, ये नहीं पता। ये किस्सा सही था नेपाली फैन वाला टैटू वाला कि उसको लेकर कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी? सर यही बात है ना, मैं पहले ही बोला भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन का केक सबसे पहले कौन काटा है? भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन का केक कौन से कलाकार ने काटा है? मैं उसके लिए कभी लाइव आया क्या? मैं गाना गाता हूं तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगातार ट्रेंडिंग में रहता हूं, मैं लाइव आके कभी उसका बखान किया क्या? मैं क्या हूं बताने जरूरत। भोजपुरी कलाकार 20 दिन में 100 मिलियन क्रॉस देख लिया। भोजपुरी का एक छोटा सा कलाकार 20 दिन में 100 मिलियन प्लस का मुंह देख लिया, इसके लिए मैं लाइव आके बोला क्या कि मैंने पहली बार ये किया, मैंने ये कर दिया? नहीं सर, नहीं बोल सकता। वो बोला ना कि मैं क्या हूं वो हमारी जनता डिसाइड करेगी कि मैं क्या हूं। नहीं, बट आपने एक जगह इशारों में बिग बॉस उनके जाने पर ये शायद लोगों ने ये माने निकाले कि आपने कह दिया कि लोग 2-4-5 हज़ार रुपए में अलग अलग भाषा में काम कर रहे हैं, पवन सिंह देखो अलग है, आपको भी ऑफर शायद बिग बॉस से आया था, आपने मना कर दिया था। हाँ हमारी बात हुई थी। हाँ बहुत पहले। ये टैटू वाला थोड़ा पूरा कर लें। बहुत पहले एक लड़का आया, भैया मैंने बोला अरे पगला ठीक है ये प्यार करते हो मेरे लिए सौभाग्य है लेकिन खुद को कष्ट क्यों देना। मैंने उसका न्यूज़ नहीं बनवाया और ना ही बनवा पाऊंगा कभी, लेकिन ये कहने वाली बात है ना कि सर यहाँ से शुरू हुआ है। हाँ, वो नेपाल टैटू वाली खबर अखबारों में छपी है और अभी भी गूगल पे आप जाएंगे तो सारे बड़े चैनलों में उसके पहले पवन सिंह के फोटो कितना हेजा लोग गुदवा दे ले बाब, हम कहे गए बने कभी के उसे नहीं कह सकता। और आगे क्या बोले आप? और दूसरा ये बिग बॉस वाला कि आपने कह दिया कि लोग 2-4-5 हज़ार लेके दूसरी भाषा में क्या क्या कर रहे हैं, लोग 2-4-5 हज़ार लेके दूसरी भाषा में, मतलब ये था कि कोई यहाँ जा रहा है कोई वहां जा रहा है, जिसे जहां जाना है जाए, हम वहां कब का काम कर चुके हैं, इस तरह के लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते, पवन सिंह कहाँ कहाँ गाना गाएंगे, लोग आजकल 2-4-5 हज़ार लेके यहाँ वहाँ जा रहे हैं, ये बिग बॉस के टाइम में आपका स्टेटमेंट आया। सुनिए ना सर, एक काम करिए, कैमरा ऑफ करके हमारे घर पे आइए, एग्रीमेंट पेपर देख लीजिएगा। लखनऊ में है ना पवन? हाँ। लखनऊ में ही गाना गाया, इवेंट कहाँ हुआ था? कहीं और, बट इवेंट भी लखनऊ में ही हुआ। तो ये पवन ने नहीं किया, ये हमारे जनता का आशीर्वाद है। पवन के अंदर कुछ नहीं है सर, पवन कुछ नहीं है, 0/0। हमारे जैसे बहुत लोग घूम रहे हैं, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आज पवन सिंह हूँ, पवनवा हूँ, पवन हूँ, तो अपने जनता के आशीर्वाद से हूँ। और यहाँ के इवेंट में भी अपना ठुमका लगाया और दोनों साइड से भी ठुमका मेरा वाला लगा, श्रद्धा कपूर और इसके लिए मैं लाइव आके बोला क्या कि मैंने ये कर दिया। रही बात 2-4-5 हज़ार की, तो जिसने ये बात बोला है उसका भी आत्मा जानता है कि पवन सिंह कितने में फिल्म करता है और कितने में सॉन्ग करता है। ये बात दिल की है तो ये मेरे भी दिल में रहे, और जो बोला है उसके भी सर दिल ही में रहने दीजिए, अगर उसको बोल के खुशी मिल रही है तो उसको खुश हो लेने दीजिए। स्वाभिमान अभिमान में क्या अंतर समझते हैं? ये बड़ा बहन लकीर होती है क्योंकि ऐसा लगता है कि पवन सिंह को, जैसे मैंने खिलाड़ी से पूछा कि आप हर बार छिड़ते हो और वो छिड़ जाते हैं, कई लोग ये मानते हैं, स्वाभिमान अभिमान कैसे देखते हो आप? क्योंकि आपको लग जाता है कई बार, ये हमने भी महसूस किया जब मैं आपके वीडियोज देखता हूँ कि वैसे आप शांत रहते हो, आप कोशिश करते हो कि मैं बचूँ ना बोलूँ, फिर कोई बात दिल पर लग जाती है, फिर आपके अंदर से निकल आता है, फिर वो जो मैंने कहा ना कि बड़ा मिसअंडरस्टूड पर्सनैलिटी होती है। स्वाभिमान अभिमान मेरे चाचा सिखाए हैं सर। मेरे चाचा जी जब गाने की एंट्री अपने जीवन का कर रहे थे तो हमारे बाबा की तरफ से एंट्री नहीं थी, बोले कि तुमको ये सब काम नहीं करना है, ठीक है,
हमारे बाबा की तरफ से तभी हमारे चाचा को आदेश मिला कि बेटा किसी का अगर एक रुपए में शो बुक करना तो उस तारीख को अगर तुमको 1 करोड़ भी मिल जाए तो वो 1 करोड़ 1 रुपए से बड़ा नहीं होना चाहिए। कमिटमेंट, ये सर हुआ सवाल वाली बात आ जाती है। ये तो है ही, वरना ऐसे हमारे चाचा से काम ही कौन देगा। दूसरी बात अभिमान की, हेलो मैं ही हूँ इंडस्ट्री का करता धरता, अभिमान हो गया ना पावर स्टार पवन से, ये घमंड हो गया सर। तो मुझे इतना ही पता है कि स्वाभिमान में और अभिमान में क्या फर्क होता है। कम पढ़ा लिखा हो, कुछ गलती हो तो माफ करिएगा। नहीं, अच्छी बात, आपने खूबसूरत बात की। कभी साथ में आप लोग आ सकते हो, खेसारी पवन सिंह सर कभी साथ में आ सकते हैं, क्योंकि एक फिल्म तो आई थी शायद प्रतिज्ञा, आप लोग उसमें काफी पसंद किए गए थे दोनों लोग। दोबारा कभी आप लोग साथ आ सकते हो, क्योंकि इलेक्शन में भी आप साथ आए थे, लेकिन फिर ये चलता रहता आप लोग का। ये मैंने बोला ना कि बोलता है ज्यादा, दिल का बुरा नहीं है। तो आप कह रहे छोटा भाई तो कान पकड़ के ठीक क्यों नहीं कर देते कि बैठो। हाँ देखिए, और भी एक फैक्ट बात है, जो इंसान बड़बड़ाता है ना वो दिल का बुरा नहीं होता है। वो मुंह से भले कुछ बोल देता हो बट सामने मिलता है तो अब क्या ही बोलो, वो एक अलग ही भाव हो जाता है। आओ हेने आओ हेने आओ आओ गले लग भाई। हमारी मम्मी एक कहावत कहा थी, कनवक साथे रहा ना जाए, कनवक बिना चला ना जाए। वही बात है। तो जो भी वार्तालाप हो सर, देखिए कलाकारी है, अगर हम जिम मार रहे हैं तो ये अकेले बड़ा कठिन लगता है, ए आओ ना तुम भी आओ साथ में करते हैं, तो कंपटीशन तो सर मन में आ ही जाता है। यहां से बोलिए चाहे ना बोलिए बट यहां चलता है, हमसे ऊपर कैसे। लेकिन बोलना नहीं चाहिए, उलागेला बोले कभी कभी। तो जो भी है, तुम खुश रहो, खूब आगे बढ़ो, हमेशा मस्त रहो। आपने बोला कि दोबारा एक साथ आ सकते हैं, मैंने क्या बोला, कुछ भी हो छोटा भाई है, तो ये पॉसिबल है सर कि हम लोग एक साथ आएंगे ही आएंगे, चाहे आज आए चाहे कल आए। ये बहुत बोल्ड चलने वाला है, बोला भी बढ़िया है, काफी लोग इसे पसंद करते हैं। अच्छा, आपने घर में कभी किसी ने कहा कि यार पवन थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया करो, जल्दी तुम रिएक्ट कर देते हो, कब अम्मा या भाई या कोई और घर में कभी कहा? सर हम कहां रिएक्ट करते हैं, कभी कभी तो कर देते हैं, उसी पे आग लग जाता है। ये भी ठीक है, हम ये कोशिश करते हैं सर। एक बादशाह के साथ अभी फोटो आई थी, लोग लगा दी कि यार कुछ आ रहा है क्या बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बॉलीवुड में क्या क्या आ रहा है आपका, थोड़ा बताइए ना, क्योंकि अब आपका फैन लोग वेट कर रहा है स्त्री टू के बाद। हालांकि स्त्री टू पहला प्रोजेक्ट नहीं था शायद, इससे पहले भी कई प्रोजेक्ट बहुत सारा कर चुका हूँ सर। फिर वही बात आपने बोला ना कि पहले मैंने ये कर दिया ना, कि फर्स्ट मैंने कि 100 मिलियन मेरे पहले, मैंने कब किया, कभी बोला क्या, ये वाली बात वो जनता को पता है। करने को तो बहुत लोग बहुत कुछ किए हैं, हम भी जीवन की शुरुआत थी जब फिल्मी सफर की, तो मैंने भी एक फिल्म किया था बहुत पहले, गोपालगंज में शूटिंग किया था, तो हम भी तो उड़ सकते थे कि हम फिल्म करते नहीं, बट फिल्म वाव बना नहीं, आधे से बंद हो गया, रिलीज होना तो बहुत दूर की बात है, इंसान समझ जाएगा कि मैंने क्या बोला। करने के लिए तो बहुत लोग बहुत कुछ किया है बट रिजल्ट तो दिखाइए क्या है, रिजल्ट क्या है। तो चलिए, आपने अपने मन से नहीं कहा, हम पूछ रहे हैं। हम अमेरिके में खड़ा हो जाएं जाके और हम ही जान के हम ही लौट के अपने घर आ जाएं, क्या मतलब बनता है। अब जैसे मान लीजिए हमारा सीन है, फिल्म कर रहा हूं लंदन में जाके और बेडरूम में शूट करके आ गया इंडिया, उससे बढ़िया इंडिया में कर लो यार, भारत में ही कर लो, हिंदुस्तान में ही कर लो, लंदन जाने की जरूरत क्या थी जब तुमको रूम में शूट करना था, समझा वैसे। हाँ। तो बातें बहुत किस्म की हैं सर, बहुत इशारों में पवन सिंह छेड़ के चले जा रहे हैं, जिसको समझना है वो वीडियो देख के समझा करेंगे। वो छेड़ था ना कि मेरी खामोशी ने हजारों जवाबों की लाज रख ली, सांप भी मजा रखी। वो रही बात वो बिग बॉस की, जब जो आपने बात किया सर, एक तो हमारी तबीयत बड़ी थोड़ा सा उस दिन बीपी लो था, डल था, मैं मीटिंग में बैठ गया। हाँ सर, तो पवन जी आप परिवार चलाने के लिए क्या कर सकते हैं? हम कहें सर परिवार चलाने के आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करेगा, और क्या कर सकते हैं, घर में झाड़ू लगा दूंगा, और क्या कर सकते हैं। हम कहीं कभी कहूँ कि अगर पैर सर दर्द करे वो हम दबा दें, और क्या क्या कर सकते हैं सर। मैंने बोला सर उसके बाद सिर्फ पवन सिंह अपना रूप देखता है, अब इसके आगे बोलने की जरूरत नहीं है। सर नमस्ते प्रणाम। बट लेकिन अब वो सवाल रह गया हमारा, बॉलीवुड में अभी कौन कौन सा अभी प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्योंकि लोग जानना तो चाहते होंगे ना, बताते नहीं, हम पूछ रहे हैं, आज सबको मौका दिया है, इसीलिए फैन ने जहुआ भर सवाल लिख के दिया है कि जाके पूछ लेना भैया से, भैया नहीं बता रहे तो पूछ लो। तो क्या अभी बड़ा धमाका आने वाला है? स्त्री टू तो फट गया, बढ़िया फटा,
कम से कम 40 वीडियो पे तो हमने आपका गाना लगाया है रील में, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक में। काटी रात मैंने खेतों में आई नहीं, हमको नहीं पता लगा कि रात में क्यों नहीं आई। अभी है सर कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, बी प्राग जी के साथ बातें हुई हैं, बादशाह भाई के साथ भी आ सकता है। इसी लखनऊ में ही हमारी एक हिंदी फिल्म की मीटिंग चल रही है और एक हिंदी मूवी के लिए हमको मीटिंग करने मुंबई जाना है। तो कल तो मैंने लगातार 27 घंटा शूट करके मोहरा फिल्म कंप्लीट कर दिया और अभी थोड़ा सा कुछ देवी गीत का शूट कर लूँ, गा लूँ, कुछ लोकगीत, बहुत कंपनी का लोड है सर, वो सब करके उसके बाद हमको एक हिंदी फिल्म की मीटिंग के लिए मुंबई जाना है। पवन सिंह का फेवरेट गाना कौन सा? पवन सिंह का फेवरेट गाना या किसी भी कलाकार का फेवरेट गाना सर वही बन जाता है जो दुनिया जिस गाने को सबसे ज्यादा प्यार दे। अभी तो गुनगुनाते होंगे ना अपना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरा फेवरेट गाना है लॉलीपॉप, तो सर वो तो है ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड है। हमारी फ्रेंड बोली कि पवन जी से सुनना जरूर क्योंकि बिहार में शादी नहीं पूरा होता तो लॉलीपॉप। ये तो सही है। एक गाना मैं जब भी अकेले बैठता हूँ, जब बाजा छेड़ता हूँ, तो कुछ भी नया कंपोज करूं, कुछ भी पुराना संगीत गाऊं, बट वो संगीत जरूर गुनगुना देता हूं। हर सनेहिया लगावल बहुत बात नइखे, सनेहिया लगावल बहुत बात नइखे, नजरिया चुरावल बहुत बात हो। कितनी प्यारी आवाज है इनकी, मैंने तो पहली बार बिना उसकी खूबसूरत आवाज है सारी म्यूजिक। फिर लोगों से शिकायत करते हैं कि भैया फिर पूछेगा कि फिर चार शब्द के इर्द-गिर्द काहे गाना बनाए रहते हैं भोजपुरी वाले साहब कि चार शब्द ले लेते हैं उसी के आगे पीछे डिचे डिचे का गाना बन जाता है, इतना बढ़िया गाना गाते हैं। अरे बाप, ये कि म्यूजिक इतना सुंदर गाना, हमारे स्वाति मिश्रा इतनी प्यारी आवाज है, अच्छा गाना आपको सुनाइए हमको। और वो कवर वर्जन उनका सब मिलियंस में घूम रहा है, आपका गाना गाकर नहीं सर? देखिए क्या है, हमेशा हर कलाकार को सोचना चाहिए कि कुछ नया हो। होता है ना, जैसे आपने कुछ देर पहले हमसे बोला कि सर हमारे फील्ड में कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जिस कलाकार का सॉन्ग है YouTube पे 500 मिलियन बस उस, बट उस कलाकार के गांव वाले ही नहीं जानते हैं कि हमारे गांव का ये कलाकार है। आज कीवर्ड इन सब से भी आते हैं। 100 में 95% ऐसा हो गया है कि कलाकार कौन है इससे मतलब नहीं है, आपने यूट्यूब पे क्या क्या टाइपिंग करके डाला कीवर्ड, कीवर्ड टाइटल में सर उसका भी वही है, थंबनेल का बहुत फर्क पड़ता है, थंबनेल कीवर्ड। कौन कलाकार है वो 500 मिलियन गया कि 700 मिलियन गया इससे मतलब नहीं है, है गाना हिट है बट कलाकार कौन है ये पता नहीं है। हाँ मतलब गाना हिट है, बंदा हिट नहीं है, बंदा हिट नहीं है। पॉइंट, वो कौन सी एक, चलिए हम किसी और की बात क्यों करें, हम अपनी ही बात करेंगे। तो काम ऐसा हो, काम भी हिट हो, नाम भी हिट हो, सबका आशीर्वाद भी प्राप्त हो, ऐसा काम हो। पॉइंट, ये बहुत बढ़िया था, बहुत बोला जो कि हाँ कि काम वो है, नाम नहीं उसमें। लेकिन एक और चीज यार, इनकी आवाज कितनी प्यारी है, क्योंकि हमने अभी तक जितना भी सुना है म्यूजिक के साथ, म्यूजिक कंपोजिशन के साथ, उन्होंने बोला था कि दो चार लाइन करके फिर वो, क्योंकि अभी तक हमने कुछ गाने, मैंने बोला था जो थोड़े वैसे गाने ना सी, मतलब जो लव सॉन्ग है थोड़े वैसे वाले हैं, मतलब वैसे मतलब रोमांटिक जो प्यारे या हार्ट ब्रोकन टाइप जो है स्लो से थोड़े, उसमें मैंने एक बार बहुत जब वहां बैठ के जो हार्ट ब्रेक टाइप था यार, मतलब आवाज कितनी प्यारी है। और अब क्या मतलब इतना म्यूजिक और उसमें ना कहीं ना कहीं वो आवाज, हम जो इनकी आवाज का जादू सुन नहीं पाते कि जो आज मैंने सुना है, कोई म्यूजिक नहीं, कोई ऑटो ट्यून कुछ नहीं, मतलब नेचुरल आवाज, नेचुरल आवाज इतनी प्यारी है, बहुत गजब। अरे तो वही गाना देख लेना, काटी रात मैंने, वो तो उसमें क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा तड़क भड़क वाले म्यूजिक नहीं था, क्लियर वोकल्स थे इनके भाई, अमेजिंग। और पॉडकास्ट बहुत अच्छा था, और स्वाभिमान और अभिमान में जो चीज बताई वो चीज हर एक इंसान को अपनी लाइफ में सीखनी चाहिए। स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, और बहुत अपने हिसाब वो, मतलब किसी को नीचा नहीं दिखाना। अच्छा बोला कि अगर पक्का हो गया ना एक रुपए में तो कमिटमेंट वाली बात आ जाती है, कमिटमेंट, और तभी आपकी इज्जत बढ़ती है कि आप किसी को किसी चीज के प्रॉमिस करके लेकिन आपका कहीं और फायदा हो रहा है तो आप उसको बोली, जो जुबान का पक्का होना चाहिए इंसान, वो हमेशा कहते हैं ना। और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट मुझे, और यही चीज होती है पॉडकास्ट, अब ना जो अपने यहाँ कल्चर चल गया है पॉडकास्ट का, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आप हर एक को थोड़ा सा और अप क्लोज एंड पर्सनल जान पाते हो,
तो वही चीज है, जैसे फैंस भी होते हैं या किसी क्रिएटर के आप फैन हो या किसी पर्सनैलिटी का फैन भी ना हो, किसी सेलिब्रिटी के फैन ना हो, लेकिन मान लो आप उसको मतलब आपको पसंद नहीं है वो आपको, फिर भी आप कोशिश करते हो यार क्या पता इसकी दूसरी साइड भी हो। जैसे एग्जांपल उर्फी जावेद के लिए पहले बहुत कुछ बोलते लोग, अब उसकी साइड देख के तो लोग लड़कियां में कितनी अब उसकी फैन हो रही है या वो कुछ, जैसे उसकी बातें पता लगती है वो अपने घर चलाने के लिए करती है, छत्तीस चीज होती है, बहुत चीज होती है, नेचर भी पता लगता है हर एक चीज। बाकी आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो नेक्स्ट पॉडकास्ट पे, जल्दी रिएक्ट पार्ट पे जल्दी रिएक्ट करते हैं। कमेंट पावर स्टार ओपी हो जाए, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।